तो गाइज लाइट ऑफ हो चुकी है और इसके अंदर ईसु है। ईसु और डुगू को बाहर लेके आएंगे अभी, है ना। तो हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइज बहुत खुशी हो रही है कि आज है 19 सितंबर और कल है 20 सितंबर। तो कल मेरी दोनों लाडों का हैप्पी वाला बर्थडे है और बहुत ही अच्छा, मतलब कल का दिन मेरे लिए बहुत लकी डे था, जो भगवान ने मुझे 20 तारीख को एक नहीं दो दो बेटियां थी। और एक बेटी मेरी 8 साल की हो जाएगी, दूसरी बेटी मेरी 3 साल की हो जाएगी। तो गाइज आप लोग खूब सारी ब्लेसिंग देना मेरे बच्चों को, खूब सारा प्यार देना, खूब अच्छा अच्छा आशीर्वाद देना, ताकि लाइफ में मेरे बच्चे बहुत अच्छी तरक्की करें। तो आप सबकी दुआ और आप सबका प्यार बनाए रखना। तो गाइज है ना, मैं और ईशु के पापा भी मार्केट जा रहे हैं, तो अभी तो 4 ही बजे हैं। तो ईशु ना स्कूल से आके देखो ना ये सो गई। तो गाइज ईशु के पापा और मैं, हम दोनों जा रहे हैं मार्केट। तो कुछ बच्चों को आज रात में ही सरप्राइज देंगे, तो आप भी ब्लॉग में बने रहना। और बर्थडे तो हम कल मनाएंगे, लेकिन सरप्राइज है हमारी तरफ से कुछ छोटा सा, तो वो सब इनको सोने के बाद में हम कर लेते हैं। तो अभी मैं मार्केट जा रही हूँ। हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हो? बहुत सुंदर हो रही है, बहुत सुंदर लग रही है सच्ची में। बताओ मैं क्या कर रही हूँ? मैं नेहा मैडम का ऐड कर रही हूँ, कि कोई अगर नहीं जानता हो नेहा मैडम को तो यहाँ पे आ जाना, है ना, राधिका वाली गली में, राम चौक पे। आप बता दो बाकी एड्रेस, थ्रेडिंग बना दो यार। देखो कितनी बड़ी बड़ी हो रही है, अब तो ऐसे उग रही है जैसे बाजरा उग रहा था ना गाँव। तभी बनवा के गए, 3 महीने हो गए। सुनो, सिया चाहिए नहीं? नहीं, सीनो और ईसु। तो गाइज मार्केट हम लोग जाके आ गए और अभी है ना, मतलब जो केक लिया था हमने वो मेरे सामने वाले भैया के घर में हमने रखवा दिया, क्योंकि हमारे घर में तो ना ईशु को पता लग जाता, डुगू को भी लग जाता, तो उनका सरप्राइज बिल्कुल ख़त्म हो जाता। उनको तो भी ये है कि कल बर्थडे है हमारा, कल बर्थडे है, तो रात को 12 बजे सरप्राइज देंगे। और सारा सामान लिया है, जो कल का जो भी डेकोरेट का सामान था बर्थडे वाला, सारी चीज़ें हम कंप्लीट लेके आ गए। तो गाइज मेरे लाला का बर्थडे हो। तो गाइस है ना, आज आपको मतलब बताऊं तो मैं बताती हूँ, मेरे रियल भतीजे है, सगे मेरे सगे, ये बड़े भाई का है और वो छोटे, मतलब छोटे वाले भाई का है। तो मेरे दोनों सगे भतीजे हैं और देखो ना, मैं इनकी बुआ हूँ, मतलब भाई थे मार डोंग दिया है, मतलब फिलिंग ही कौन है भतीजा की बुआ के सी, मतलब शर्म सी हो रहा है। तो गाइस है ना, आपको मैं बताऊँ, मेरे दोनों भतीजे नर्सिंग कर रहे हैं और ये जयपुर से ही आए हैं सीधा दिल्ली। तो वो बड़े भाई का है, उसका नाम मनीष है, और ये छोटे वाले भाई का है, इसका नाम विकास है। तो दोनों नर्सिंग कर रहे हैं। और एक और था सोनू, वो गलती से गाँव चला गया, उसको नहीं पता था। हाँ। तो दोनों छिपाया भी होगा उस सुबह। नहीं नहीं, वो पहले से ध्यान लो, वो गांव गया हुआ था, तो उसको पता नहीं था कि ये लोग जाएंगे, नहीं तो वो कभी भी नहीं रुकता, क्योंकि उसने आज तक मेरा घर नहीं देखा दिल्ली वाला। ये तो दोनों देख चुके हैं। तो अब मैं खाना वाना बनाती हूँ, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद में गाइज। हे गाइज, रात के 12 बजने वाला है और हमारी दोनों बेटियों का बर्थडे अभी सेलिब्रेशन करेंगे। इधर विकास और इधर मनीष दोनों गुब्बारे फुलाने में लग रहे हैं, बस 5 मिनट रह रही है, जल्दी फुला लो, उनको सरप्राइज देना दोनों बेटियों को। उनको मिंटू अंदर लेके चली गई है, दोनों को अंदर कमरे में सो रही हैं वो दोनों, उनको सरप्राइज देंगे रात की 12 बजे, कि उनका 12 बजे रात के बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, उन्हें पता नहीं है बिल्कुल भी। इधर गुब्बारे लग चुके हैं, अब मैं इधर से, हमने क्या करा दिन में, केक सामने वाला भैया जी तो भैया के यहाँ पर रख दिया था, मैं उनसे आके उनके यहाँ से केक लेके आता हूँ।
सो गया जी तो तैयार हो गया केक वेक तो तैयार हो रहे हो क्या तैयार हो अरे वाह लगा के हाँ क्या आप ही लिया ना ठीक है मैं चल रहा हूँ गाइज पूरी डेकोरेशन हो चुकी है और इधर सामने वाले भैया जीतू भैया भी आ चुके हैं तैयार हो चुके हैं जीतू भैया जीतू ये हमारा केक दोनों का इस सीनू का उनके लिए सरप्राइज है भी नहीं पता भी नहीं है बिल्कुल भी तो गाइज लाइट ऑफ हो चुकी है और इसके अंदर ईशु है ईशु और डुगू को बाहर लेके आएंगे अभी है ना सरप्राइज सरप्राइज ओहो हैप्पी बर्थडे टू यू जाओ आप भी जाओ आप भी जाओ 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 गाना भी खत्म हो गया अब गाना चला दे दुगु है तुम्हारे दुगु आज ही पहले 12 बज गए 12 बज गए 12 बज गए बड़ा हो गया आज 20 हो गया चलो दुगु को हम दुगु को हाजिर दो चलो 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 दुगु हो गई 15 साल की इशू हो गई है 16 साल की हां एक डुगू को दे दो हाँ डुगू इधर डुग जा ऐसे रुक जा ना एक बार तुम दियो जानो सब ये मेरी है आरजू हैप्पी बर्थडे बाय करो अंकल आंटी को तो गाइस ये मेरा आइडिया था और आपको कैसा लगा आपने पूरा ब्लॉग देखा ही है तो मेरा दिन में एकदम से ना लेटी लेटी के दिमाग में आई थी कि ऐसे ही सुना सुना सा लगेगा कल शाम तक कौन वेट करेगा तो मेरे दिमाग में आई दोनों बच्चों को सुला के और फिर मैं ईशु को पापा हम दोनों साथ गए फिर हमने प्लान बनाया फिर विष्णु मैं ईशु को पापा तीनों का प्लान बना के और फिर है ना ईशु को तो हमने बिल्कुल भी पता नहीं लगने दिया था गाइज मैं क्या करके आई जैसे 20 मिनट रही थी ना 12 बजे उससे पहले मैं लेके दोनों को रूम में आ गई और विकास को ना बैलून दिया ही ऐसे थोड़ा सा और वो चिपकाने की भाई दीवार पे चिपक जाएंगे वो सब देके और आ गई थी फिर मेरे को दो चार चीजें डाउट थी तो मैंने फोन पे ईशु को पापा से क्लियर कर ली थी कैसे ऐसे करते हैं फिर 12 बजते ही मैं भाग गई मेरे को पता था ना कि मेरे बच्चे जब तक नींद नहीं आती ना तो मैं अगर बाहर जाऊंगी लेटरिन में जाऊं मैं कहीं भी जाऊंती हूँ ना तो मेरे बच्चे मेरे पीछे पीछे आ जाते हैं तो मुझे पता था मम्मी आगे आगे भगेगी तो पीछे अपने आप ही आ जाएंगे तो गाइज आपको ना बस मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहती मेरे बच्चे को दोनों बेटियों को बहुत ही अच्छा आशीर्वाद देना और खूब सारा प्यार देना और सब मेरी तरफ से मेरे बच्चों को भी हैप्पी बर्थडे जरूर लिखना कमेंट में और खूब सारी ब्लेसिंग देना गाइज क्योंकि मेरे को बहुत खुशी होती है ना कि मेरी दोनों बेटियों का 20 सितंबर को बर्थडे आता है एक ही साथ तो मेरा डुगू हो गया 3 साल का और ये हो गई मेरी 8 साल की ईसा कैसे रहा आपका बर्थडे सरप्राइज अच्छा रहा गाइस।
तो गाइस रात के 12 बजे अपनी दादी से बात कर रही है दोनों। ईसा अब आप सुबह आपका एग्जाम है ना, सो जाओ ठीक है, गुड नाइट। डुगू कैसा रहा आपका बर्थडे सरप्राइज? बहुत अच्छा, अच्छा लगा आपको बर्थडे? तो कल भी बर्थडे विश करेंगे ना, ठीक है। तो गाइस इधर अभी डुगू ने अपनी दादी से और दादा से बात की है, कैसा लगा? नाइस बर्थडे। तो गाइस रात के बज चुके हैं 12:30, अब सो जाते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग का हम यही एंड करते हैं। अब कल का ब्लॉग हमारा बहुत शानदार रहने वाला है, क्योंकि अभी पूरा अभी तो बर्थडे की शुरुआत है, कल अभी पूरा बर्थडे बाकी है। देखते हम कैसे कैसे सरप्राइज करेंगे। हमारी रोटी और बढ़ गई, गाइस देखो बातों में रोटी और जल गई। मैं अभी ड्यूटी से आया था, मैंने खाना नहीं खाया तो रोटी जल गई अभी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।